डॉक्टर साहब, कमल दादा तो ठीक है ना? उनको कोई खतरा तो नहीं है ना? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। Really very sorry. गुरु को गुरु दक्षिणा दो, मिशन में साथ चलने की गुरु दक्षिणा। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच लूंगा, मुझे वादा अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे। काले, सही कुठे आहे? बुलाओ उसे। जी सर, पूछा ताई सही ला घेऊन ये। सही तेरे आबा। सही, कमल दादा चले गए। तू मेरी बात सुन रही है ना? सही, कमल दादा चले गए। सही, मेरी बच्ची, मेरी बात सुन रही है ना तू? सही, सही। यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी वंदना नृत्यो मोक्षे अमृता। आबा, आपको याद है ना, कलम में पूर्णिमा की पूजा साथ में करनी थी। पता है मैंने आपका कितना वेट किया लेकिन आप आए नहीं। कोई बात नहीं, मैंने ना वो पूजा यहाँ पर कर ली है। पूरे 1100 बार किया है मैंने महामृत्युंजय का जाप, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अब आप ये चन्नामृत पी लीजिए। हाँ, आ करिए, चलिए ये पी लीजिए। आ करिए, चलिए आ करिए।
तीन तक गिनूंगी और फिर आप मेरा गुस्सा अच्छे से जानते हैं। एक, दो, तीन। क्या है आमा? देखो सब सब देख रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं आपका। चलिए क्या पीली सही 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 मेरी बच्ची। अरे मौसी आप समझाओ, मेरी तो सुनते नहीं है ना, हमेशा अपनी चलाते रहते हैं। कभी सुनिए आपने मेरी, ये नाटक कर रहे हैं, मुझे ना परेशान करते हैं। कितना परेशान करते हो यार, उठो ना। सही उठे, चलिए सही होश में आ। कमल दादा हमें छोड़ के जा चुके हैं। तेरे आबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो समझ क्यों नहीं रहे इस बात? ओह समझ रही ना, समझ गई मैं। मैं डांटती रहती हूँ इन्हें, गुस्सा है मुझसे, है ना? नहीं डांटूंगी बाबा, नहीं डांटूंगी, सॉरी। मतलब माफ करा। हाँ चलिए अभी उठिए, बहुत हो गया आपका। चलिए उठिए 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 उठिए, चलिए बाबा उठिए प्लीज, बाबा उठिए उठिए, चलिए मेरी बात सुनिए। तुम्हारे आबा हम सबको छोड़ के जा चुके हैं, योर फादर इज नो मोर। ये मुझे पता है, उठेंगे। उठिए उठिए चलिए उठिए। सही इंस्पेक्टर जोशी, इंस्पेक्टर नहीं नहीं, हाँ मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मानसी ताई कहाँ जा रही हैं आप? एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। दादा, मानसी बुआ, मानसी ताई, सोनाली कहाँ जाला? आप नहीं जाएंगी कहीं भी। सीता ये क्या हो रहा है? मानसी ताई, अरे देखना। मानसी ताई ये क्या है? अश्विनी वही है बगा। ये बैग वगैरह लेकर कहाँ जा रही हैं आप? हाँ इधर दो आप। हफ्ता भर हो गया, सम्राट का कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं लद्दाख जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए। मानसी, सम्राट का रेजिमेंट उसे ढूंढ नहीं पाया है और तुम? रेजिमेंट के पास माँ की आंखें नहीं होती है बहिनी, मैं एक माँ हूँ, कैसे भी करके अपने बच्चे को ढूंढ लाऊंगी, ढूंढ लाऊंगी। मानसीताई क्या कर रही हैं आप? सम्राट की फिक्र हमें भी है, उसके लापता होने से हम भी उतने ही दुखी हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं हो रहा इंतजार मुझसे, नहीं हो रहा। मानसी दाई मत रोइए ना, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखिए ना, रोइए मत, पहले पानी पीजिए, पानी, सब ठीक हो जाएगा मानसी दाई। और ये मत भूलो मानसी, सम्राट एक सिपाही है, फौजी है, वो कोई बच्चा नहीं है जो किसी मेले में खो गया हो और तुम उसे ढूंढ लो। मानसी दाई, ब्रिगेडियर सूद से मैं संपर्क में हूँ, हामी अब भी उसे ढूंढ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारा सम्राट जरूर मिल जाएगा। और मानसी दाई आपको भी अपनी उम्मीद आशा होप नहीं छोड़नी चाहिए। और उम्मीद पूरी होती है प्रार्थना से। कल वट पूर्णिमा है ना, हम सब मराठी औरतों का व्रत होता है कि नहीं, अपनी पति की सलामती के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए। सावित्री तो यमराज जी से अपनी पतिदेव सत्यवान को छुड़ा कर लेकर आई थी, पत्र लेखा भी ऐसे ही अपने सम्राट को वापस लेकर आएगी ये व्रत रखकर। और अगर ये व्रत सच्चे मन से रखा जाए तो अपना सम्राट जरूर जरूर वापस आ जाएगा, यकीन मानिए। मस्त मस्त, महीने में एक हाथ बार अक्लमंदी की बात कर लेती हो तुम अश्विनी। अपने जाबाज पतियों के लिए ये व्रत रखने की परंपरा रही है हम मराठा औरतों की।
पत्र लेखा भी ये परंपरा आगे बढ़ाएगी, है ना पत्र लेखा? कवच जब तक ये आपकी कलाई पर है ना, महादेव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। ढीला हो गया। मेरे आबक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन। बचा दीजिए ना प्लीज। ए टाइगर, कोई खुशखबरी, मंगल समाचार, गुड न्यूज है क्या? मैं कशाला भाई जी, जरूरत नहीं है। आई अब भी ना ले ले। वही नहीं, क्या हुआ? अब खा क्यों नहीं रही है? ये लीजिए। नहीं बस 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 भूख नहीं है। अरे काकू खाइए ना, वैसे भी कल व्रत है हमारा, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है हम सबको। हम्म,
अरे भाभी पनीर लीजिए ना, इट्स रियली यम, दैट वाज अ डो। थैंक्स। अगर खाना पत्र लिखा बेटा, अगर बस बस, कल तुम्हारा पहला वट सावित्री का व्रत है, ये तुम्हारे लिए नई साड़ी और नए गहने। कल सुबह जल्दी उठ के स्नान करके सोला सिंगार करके तुम्हें वट वृक्ष की पूजा करनी है। और अगर सच्चे दिल से पूजा की जाए तो ना सिर्फ पति की उम्र ही लंबी होती है बल्कि अगले 7 जन्म तक वही पति मिलता है। तुम्हें चाहिए ना अगले 7 जन्म के लिए सम्राट? बोलो पत्रलेखा, अगले 7 जन्म के लिए तुम्हें सम्राट चाहिए ना? जी मामी। तो उसके लिए दिल से व्रत रखोगी ना? मस्त मस्त। नमस्कार कर बेटा। सर, क्या है एसीपी? गए ना तेरे इंस्पेक्टर? क्या घूर के क्या देखता है? तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तूने मुझे अंदर डाला, आया ना मैं बाहर पेरोल पे। अब मेरा बेटा जगता पे ना, उसकी भी बेल हो जाएगी। जगता की बेल, एसीपी फेल। तो शुक्र मना कि तुम दोनों पुलिस कस्टडी में हो, वरना मेरे गुरु इंस्पेक्टर कमल जोशी की मौत का बदला हम अभी के अभी इसी वक्त ले लेते। आई शपथ तुम दोनों को ठोक डालते। अब तो इंतजार कर और देख, अगर मैंने तुम दोनों को जेल की चक्की ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी विराट सवार नहीं। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया तूने। मुझे बेल नहीं, सिर्फ जेल होगी और तू भी जाएगा साथ में। कौन अंदर करेगा हम बाप बेटों को? तू? अरे तू तो टेम्परेरी है, 2-3 दिन में तू भी जाएगा नागपुर। मेरी अगली पोस्टिंग नागपुर में हो या कोल्हापुर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पूरी महाराष्ट्र पुलिस तुम लोग के पीछे है। अब तुम्हें तुम्हारे बाप तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। मेरे कमल सर की शहादत बेकार नहीं जाएगी।